जय बोले की। कैसा लगा दर्शन? ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते। अभी हम लोग कम से कम उस जो पीछे जो बड़ा वाला पहाड़ दिख रहा है, कम से कम वहां तक हमें पैदल पैदल ही यात्रा तय करनी है और ये यात्रा काफी लंबी है और इंजॉयमेंट रहेगी क्योंकि महादेव जी के पास जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो कठिनाई करनी ही पड़ेगी। महादेव बुला रहे हैं और हम इस जगह को देखने में काफी इच्छुक हैं क्योंकि यहाँ रावण ने तपस्या करी थी, रावण ने अपना सिर अर्पित किया था भोलेनाथ जी महादेव जी को। हमारी यात्रा काफी लंबी होने वाली है और काफी रोमांचकारी होने वाली है। हमारी जो रास्ता है, आप देख रहे हो रास्ता किस तरह से है यहाँ पे, ये ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हमें हमेशा बचपन में देखा करते थे। और जो हमारी यात्रा है वो है श्री महादेव कमलनाथ यात्रा, जो कि प्राणों में जो बोला गया है कि यहाँ रावण ने तपस्या करी थी और अपना जो 10 सिर का जो उनको वरदान मिला था वो यहाँ से मिला था और उन्होंने अपना महादेव जी को सिर अर्पित किया था यहाँ पर। तो आगे की जो कहानी होगी हम वहाँ पे आपको बताएंगे। चलो, यहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध और कोई पोल्यूशन नहीं, एकदम शांति। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर दृश्य और प्रकृति का साथ। और यहाँ पे जो घर भी बने हैं वो है एकदम नेचुरल, मिट्टी से बने हुए हैं और इनका देखने का आनंद ही कुछ अलग है। ये देखिए एकदम शांति। इसी तरह से हमारी यात्रा से जुड़े रहिए, चलते रहिए और आनंद उठाते जाइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो तो आप तक पहुंच सके और इस प्रगति का आनंद उठाते जाए। ये देखिए गांव का जीवन हमारा, मारेंगे तो नहीं ना? हाँ, कोई भरोसा नहीं सी होगा। ये देखिए ये यहाँ के चरवा बकरी चलाते हुए। असली यात्रा तो इन लोगों की है, जितनी हम ट्रैकिंग कर लें तो ये अपने आराम से कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हमें भैया जी ने लिफ्ट दे दी है और अब निकल चुके हैं बाइक से। ये देखिए आगे की तरफ, अब पूरी वीडियो बनाते जा रहे हैं ना, यूट्यूब डालेंगे इनका, चलो भी दो इंटरेस्ट है देखते हैं। तो भाई ऐसे ही ट्रैकिंग करते करते और हाइकिंग करते करते निकल रहे हैं, जैसे ऐसे रास्ता मिलता है अगर वैसे हम पूछते जाएंगे। बस थैंक यू सर। आप ये ना, हाँ ये रोड जा रहा है, ये कच्चा वाला था, कच्चा तरह जो कच्चा ये सामने ये रोड जाएगा सामने ओके भैया धन्यवाद। तो यहाँ तक का मन सफर हो गया और आगे भी सफर करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे ही हम लोगों से लिफ्ट मांगते मांगते हाइकिंग करते करते निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई डायरेक्ट हमारे पास रास्ता है नहीं है, तो हम ऐसे ही शॉर्टकट पहाड़ों से होते हुए
गांव से होते हुए तो हम महादेव कमलनाथ यात्रा की तरफ निकल चुके हैं। और ये देख लीजिए यहाँ के गांव का कुछ ऐसा दृश्य है और कहाँ से हम होके जा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए और आगे एंजॉय करते ही ला करते ही है। और अपने साथ साथ कुछ कमेंट भी देते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर जो हमारी पद यात्रा है महादेव की तरफ जाते हुए, तो बस अपना प्यार देते रहें और यहाँ के व्यू और यहाँ के नेचर को महादेव की यात्रा करते करते सुंदर सुंदर खेतों से होते हुए ये हमारा रास्ता जाता हुआ। ये ऐसे दृश्य आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अभी उन पहाड़ियों में बसे हुए हैं श्री कमलनाथ महादेव जी और हमने बहुत हालत ख़राब हुई ट्रैकिंग करते करते। फिर ये देखिए महादेव जी कहाँ के बसे हैं, ये देखिए लंबे चौड़े पहाड़। जय बोले की। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा।